हेलो सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है गोरु बिहू एंड यहाँ पर मेरे बड़े पापा रेडी कर रहे हैं साग, जिसे बोर बैगना मींस वन टाइप ऑफ बैगन, हल्दी, लौकी, करेला, ठेकेरा मींस गसिनिया से रेडी किया जा रहा है। साथ ही रहते हैं माखियोती। एंड यहाँ पे रेडी किया जा रहा है माँ हल्दी, ब्लैक ग्राम एंड टर्मरिक पेस्ट जो गाय को लगाया जाएगा। एंड हम भी आज इसी से ही नहाएंगे क्योंकि आज के दिन सोप नहीं लगाया जाता है। तो अभी टाइम हो गया है गौ माता को नदी के घाट लेके जाने के लिए। ये चरण एक्चुअली असम के एग्रीकल्चरल रूट पशुधन की श्रद्धा से संबंधित है, जो लेवलीहुड का एक प्राचीन तरीका प्रदान करते हैं, क्योंकि गौ माता साल भर किसान को खेत में मदद करते हैं। एंड आज के दिन ही गाँव के सभी लोग अपनी गाय को लेकर नदी के घाट आते हैं एंड उन्हें नहलाते हैं और सभी लोग एक साथ गाते हैं, लाउ खा बैगना खा बसरे बसरे बाढ़ी जा, मारे हरु बापेरे हरु तय हबी बर बर गुरु। कुछ चीजें ऐसी होती है आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस उस शरण को ना उसी वक्त महसूस कर सकते हैं। एंड ये भी एक ऐसा ही पल है कि आप जब खुद उस स्थान पे रहते हो तभी आप एंजॉय कर सकते हो एंड उस पल की इम्पोर्टेंस को महसूस कर पाते हो। ये एक ट्रेडिशनल परंपरा है जो बरसों से असम में निभाते आ रहे है और निभाते जाएंगे, बिकॉज हमारी कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअली हमारी पहचान होती है। नहलाने के बाद जो भी साग और माखियोती रह जाते हैं उसे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जाता है, क्योंकि कहते हैं आप जो लेकर आते हैं उसे लेकर नहीं जा सकते हैं। एंड एक्सचेंज के बाद उसे गौशाला और घर की रूफ टॉप या दरवाजे के ऊपर हैंग करके रखा जाता है। मार मार पम्पी भई दो Thank you.
बिहू शुभेच्छा रगिल, बिहू शुभेच्छा रगिल, धन्यवाद। अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, वो भी माँ हलोदी से, जो मैंने आपको दिखाया था माँ हलोदी क्या है। तो नहाना हो गया है, मैं चमक गई हूँ क्या? तो अभी हम जा रहे हैं अपने सेकेंड अंकल के घर, क्योंकि वहाँ पर होगा एंसेस्टर वॉरशिप। মই থলো থলো মানে ইয়াৰ পৰা গৈ পিনে অকণমান সময় থলো, তাৰপিছত ভৰিত লগাই দিলো। নহয় ভৰিত সেইখিনিয়ে লগালো, লগাই পিনে তোৰ অকণমান সময় থলো আৰু, এই টিভিত অকণমান এই প্ৰগ্ৰেম চালো, তাৰপিছততো হেৰি কৰিলো, এৰাই দিলো। গাহৰিখিনি ইয়াত দিলে, দটিত দিলে, প্লেটখন নটাই দে तो अभी हम करने वाले हैं अपने एंसेस्टर वॉरशिप। तो बिहू के लिए जो भी प्रिपेयर किया है तो वो हम आज उन्हें पूजा में देते हैं। तो अभी मैं भी थोड़ा पूजा कर लूँ, तो वो रिचुअल मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी। तो वर्शिप का जो भी रिचुअल था यहाँ पे सब कुछ हो गया है कंप्लीट। तो अभी होगा कोनीजूस। कोनीजूस इट मींस एग फाइट, आप कह सकते हो एग फाइट। तो गुरु बिहू के दिन ये खेला जाता है। तो गेम रूल्स एकदम सिंपल है। गेम में दो लोग रहेंगे, एक जो एक को सीधे पकड़ते रहेंगे एंड सेकेंड वन वो एक के ऊपर मारेंगे। जिनका भी एक ब्रोक होगा वो लूजर एंड ओपोनेंट विनर, एंड उन्हें वो ब्रोकन एग भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने विन किया है। तो जब मैंने विन किया तो उनकी तरफ से जो भी एग है वो मुझे मिल जाएंगे। एक फाइट हो गया है कंप्लीट एंड अभी है आशीर्वाद का समय। मींस आज के दिन जो भी बड़े हैं घर की, हम सभी की ही आशीर्वाद लेते हैं। নতুন বছৰ কিবা গ্ৰহ গতিটো কাৰণে যেনেকৈ সকলো যেন এই হাতে নিয়ম নন্দ কথা দিবলৈ কৃষ্ণ ঔ আহৰি গৈ আছো দেই, মই নহয় নহয় ভিডিঅ' কৰি গৈ আছো।
सब रिचुअल हो गई है कंप्लीट एंड अभी लग रही है मुझे जोरों से भूख, तो मैं जा रही हूँ फिर से अपने बड़े पापा के घर क्योंकि हाँ मुझे खाना है। और एक बात, खाना भी आज के दिन हम स्टार्ट करते हैं पहले जलपान और जो भी पकवान बनते हैं उसी से, पर मुझे आज ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो मैं मुझे सीधा ना खाना खाना है, राइस खाना है। तो राइस भी आज जो भी हम खाते हैं उसका नाम है पोइटा भात, मीन्स पके हुए राइस को रात भर पानी में भिगो के रखते हैं एंड उसे ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग को हम एक साथ खाते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के साथ आप खा सकते हो लेकिन मैं तो खा रही हूँ अमलोरी टूप के साथ, मीन्स रेड एंड एग्स के साथ। तो अभी घर में आ रहे हैं रिलेटिव्स तो मस्ती कर रहे हैं। एक्चुअली बहाग बिहु नॉट ओनली आसामिस न्यू ईयर, ये एक्चुअली एक ऐसा लाइक फेस्टिवल है जो लाइक हमारी प्राउड है ऑनेस्टली। तो ये ना लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ये एक इमोशन है, ये एक लव है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो अभी जो भी गाय थे वो घर पे वापस आ गए हैं और इवनिंग हो गया है। और ये तुलसी डुबोरी बोन एंड लहसुन का पानी है जो पूरी घर में छिड़कते हैं सो डेट कि अगर कुछ कीट पतंगे हैं वो घर से निकल जाए। उसके बाद जो राइस ब्रैन होती है उसे जलाया जाता है फॉर स्मोक, वो हर घर पे जलाते हैं। उसके बाद गौ माता को नया हार्नेस पहनाया जाता है एंड उनके लिए गोरु पिथा बनाया जाता है एंड उन्हें खिलाया जाता है। और इसी के साथ ही आज का दिन ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।